नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर आपका स्वागत है। आज मैं ढेर सारे जो विवादित क्वेश्चन हैं, चाहे वो तर्कपूर्ण हैं या कुतर्कपूर्ण हैं, उनका जो है मैं कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ आपके पास। वो उसके उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के पुख्ता साक्ष्य हैं और कुछ के जो है साक्ष्य नहीं है, लेकिन उन्हें कुतर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है मार्केट में। तो मैं आपको जो है उनके जो है लिस्ट है आपको जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो आप जो है उनको जो है मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया, तो इसमें जो है कुछ लोग कह रहे हैं श्री कृष्ण जो सिन्हा है उसमें सिंह होना चाहिए। तो भैया, अगर कहीं पे आपको ऑथेंटिक सोर्सों से ये चीज़ हो तो आप जो है भेज सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लग रहा है ये चेंज करेगा आयोग। दूसरा क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो भैया, अब इसमें क्या है कि अगर आप 63rd जो BPSC परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसमें ये क्वेश्चन ही पूछा था कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो अब आयोग के पास तो कोई पुख्ता सबूत होंगे ही, तभी ये कह रहा। अदरवाइज अगर आपको 1931 लग रहा है तो आप भेजिए, अगर आपके पास पुख्ता कहीं साक्ष्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला जो वहाँ पे वो बनाया गया था, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें विलियम फिंच जो है होगा या अब्दुल हामिद लाहौरी होगा। तो अगर आपके पास जो है कहीं साक्ष्य दिख रहे हों तो आप इसको जो है प्रस्तुत कीजिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा है आयोग इसका भी आंसर चेंज करेगा। चौथा क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। तो भैया, मेहरगढ़, इसमें कोई डाउट तो लग नहीं रहा है, लेकिन अब उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में ये पूछा है, जबकि बुक में कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भैया, उसमें पढ़ने पे ये दे रहा है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है सबसे पहले कहाँ पे जो है उपस्थित हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ होगा, क्योंकि इसमें भारत बोला है तो उसमें बगोर वगोर पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लोग ला रहे हैं। तो अगर आपके पास कहीं से दिख रहा होगा ऑथेंटिक सोर्स कोई है तो उसको आप भेजिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा है इसका भी आंसर आयोग नहीं चेंज करेगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इस योजना के बारे में आपको जो है क्या है कि आयोग ई ऑप्शन दे रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इस ओनली सी ऑप्शन ही सही होगा। तो इसको लेकर अगर आपके पास साक्ष्य है तो इस पर आप भेजिए, इसका आंसर चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको जो है इसमें मैं डबल टिक इसलिए लगा दिया हूँ। छठवां क्वेश्चन है सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ। तो इसमें ज़्यादा विवाद इसलिए लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें VAYU पेपर में छपा है, जबकि वो एक्चुअल में WAYU है। तो इसको लेकर अब देखिए, उसमें जो है बोल रहा है कि विंड आगुमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट करके इसमें लिखा है, और उसमें अगर वी से होगा तो इसमें उसका क्या मतलब होगा। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा कि आपसे फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन आपको अगर वो आयोग ही तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको लेकर जो है मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर चेंज होगा, लेकिन बाकी तो अब देखिए क्या होता है वहाँ पर। मित्रों, अगर आपको लग रहा होगा, अगर आपको कुछ साक्ष्य की ज़रूरत चाहिए जिन पे आपको ऑथेंटिक सोर्सों से मैं कुछ वीडियो जो कल बनाया था, अगर आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको वीडियो वहाँ पर दिखेंगे। हाँ, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं जो बेतुके तरीके से या तर्कपूर्ण या कुतर्कपूर्ण तरीके से बनाए जा रहे हैं विवाद, तो उसमें से अगला क्वेश्चन का नंबर है सातवां। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत में। तो इसमें 24.40 और 21.54 को लेकर बहुत सारा विवाद है। तो इसमें अब मुझे तो नहीं लगता इसका आंसर आयोग चेंज करेगा, क्योंकि बहुत सोच समझ कर वो जो है इसका आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, CO2 ही होगा, तो और आयोग आंसर ई दे रहा, तो सब लोग सोच रहे नहीं, इसको सारे को मुख्य घटक मान रहा है, क्योंकि हो सकता आयोग नाना अब भी इसमें दे सकता है, क्योंकि ई ऑप्शन में वो जो आ जाएगा क्या बोलते हैं वाटर वेपर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कह नहीं सकते, वैसे ये आंसर जो है चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है DNA की खोज किसने की। तो इसको लेकर कोई भी बात नहीं, आप कहीं पे चाहे NCERT में देख लीजिए, चाहे आप किसी और बायोलॉजी बुक में जाके देख लीजिए, तो उसमें सीधा सीधा ये जो है ऑप्शन इसका जो है ई होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका PH मान साफ है। तो इसमें आयोग ने जो आंसर दिया है वो ई दिया है, जबकि अब कुछ लोग कुतर्कपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि इसमें जो है कुछ और ऑप्शन होगा, तो मुझे नहीं लगता है आयोग कुछ मानेगी इसमें, इसमें ई ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था। तो आयोग ने अभी हाल ही में इसमें आयोग जो है सी ऑप्शन के साथ गया है, जबकि नील विद्रोह अगर आप जो है बिपिन चंद्रा की बुक में पढ़ेंगे या हमारा जो वीडियो है उसमें मैं बिपिन चंद्रा का स्क्रीनशॉट जो है लेकर डाला हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है ई
ई ऑप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि ए ऑप्शन भी इसमें हो रहा सही और सी ऑप्शन भी सही हो रहा, तो इस वजह से ई ऑप्शन होगा। तो आप जाकर अगर बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे पेज नंबर 22 उस पर दिख रहा है, तो आप इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये आंसर जो है चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है, तो इसमें जो है आयोग ई ऑप्शन माना है, लेकिन अब चांदनी चौक से पालम अब मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पर मिल रहा है, अब पता नहीं अगर आपके पास सोर्स हो तो आप जो है भेज सकते हैं, अब मुझे तो नहीं लगता इसका आंसर आयोग अब चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था, तो आयोग इसमें अकाल की छायक साध गया है, जबकि आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आप जो है बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे या आप मेरे अगर वीडियो में गए हैं तो जाकर देखेंगे पुराने वाले वीडियो में, तो वहाँ पर देखेंगे मैं साक्ष जो है इसके बारे में डाला हूँ, तो इसमें मुझे लग रहा है इसकी भी चेंज होने बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो इसमें ई ऑप्शन जो है आयोग कर सकता है, तो क्योंकि इसके पुख्ता साक्ष भी उपस्थित हैं, तो हो सकता है कि आयोग इसको मान के ई ऑप्शन कर दे। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, जिस पे लोग जो है विवाद बेवजह का खड़ा कर रहे हैं, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका भैया कहीं से कोई साक्ष जो है मुझे पुख्ता तो नहीं मिला है, आयोग जो है इसमें ई ऑप्शन के साथ गया है, अब बाकी देखिए सी सही मानता है या डी, अगर आपके पास जो है पुख्ता साक्ष्य हैं तो आप भेजिए, नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, उसे ये आंसर चेंज नहीं होगा। अगला 15वां क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 916 होगा जबकि आयोग 918 माना है, तो 916 वो जो है जो सेंसस जो आया था पहले वो पूर्ण रूप से जो है वो डिक्लेयर नहीं था, वो बाद में जो है डिक्लेयर किया गया था कि जो है इसमें क्या होगा, हाँ तो वो जो डेटा था 916 वाला वो प्रोविजनल डेटा था, बाद में जो डेटा आया वो 918 ही उसका आंसर जो है सही होगा, तो इसका जो है इसमें चेंज नहीं होगा ये आंसर। 16वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन, तो आयोग जो है इसमें जो है तो आयोग इसमें जो है डी ऑप्शन के साथ गया है, लेकिन जो खुल्लर की बुक है उसमें कहीं पे सी ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे तो अगर देखेंगे तो सी और डी दोनों सही हो सकते हैं, तो हो सकता है ई भी हो जाए, तो इसमें जो है अगर आपके पास साक्ष्य तो भेजिए, वैसे मुझे नहीं लगता ये आंसर चेंज होगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो मनरेगा के उद्देश्य में आयोग ई ऑप्शन के साथ गया है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं डी ऑप्शन होगा, तो इसमें जो है इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर जो है चेंज होगा, क्योंकि आयोग बहुत ही सोच समझ कर शायद इसका आंसर जो है दिया है। 18वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो इसमें जो है आयोग ने जो है तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप जाएंगे इंडिया ईयर बुक में तो वहाँ पे 64.46 मिलेगा, जबकि जो एक्चुअल जो डेटा आया है जनगणना का उसमें 65.46, तो इसमें जो हो सकता है कि कहीं पे मिसप्रिंट हुआ होगा, इस वजह से मुझे नहीं लगता है इसका आंसर जो है चेंज हुआ होगा, चेंज ना तो होगा मुझे नहीं लग रहा है इसके बारे में, तो आपको जो है इसके बारे में भी बाद में नहीं पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है, तो उसमें आयोग ई ऑप्शन के साथ गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें जो है आयोग इसका आंसर मानेगा जो है डिजिटल इंडिया, उसमें ई ही आयोग उसके साथ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो अब इसमें मुझे नहीं लगता है इसका भी आंसर जो है चेंज होगा, ई या डी इसके चक्कर में मत पड़िए, इसमें मुझे लग रहा है जो आयोग आंसर दिया वही सही माना जाएगा। 21वां है, सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग में जो है सरकारी आयोग के बारे में आयोग ने जो आंसर की दी है तो इसमें आयोग ने ई ऑप्शन दिया है, जबकि आप लक्ष्मीकांत जैसे सोर्सों में अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें जो है सीधा सीधा दिया है कि 1987, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेज है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत या कहीं और भी डीडी बसु जैसे बुकों में देखेंगे तो इसमें जो है 1987 जो है सीधा सीधा क्लियरली लिखा है। 22वां क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशाएं एवं संभावनाएं हैं, तो बिहार में जो है इसके बारे में मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ जो है चेंज होगा, तो अब इसके बारे में आप इस विवाद में ना पड़िए, तो इसका आंसर जो है चेंज नहीं होगा, आयोग जो है सही आंसर दे रहा है। 23वां क्वेश्चन है, भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसमें भी बहुत सारा लोग विवाद फालतू में कर रहे हैं कुतरपूर्ण तरीके से, जबकि सीधा सीधा सा बात है कि जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं वो धारवाड़ क्रम की हैं और बाकी जो रोहतास पठार वो विंध्यन क्रम की है, तो ये जो है उतना ज़्यादा जो है पुराना नहीं है रोहतास का पठार, जबकि खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है और धारवाड़ क्रम जो है बिंद जो है क्रम से पुराना, तो इसमें जो है विवाद के इसमें विवाद होने का कोई जो है प्रश्न ही नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना,
तो इसमें जो पिछला जो 63rd बीपीएससी जो अभी आयोजित की गई थी उसमें जो है क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था कि भारत शासन अधिनियम के तहत बिहार राज्य बना, तो 1936 जो है उसमें जो है ऑप्शन जो है दिया था शायद, और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा माफ़ कीजिएगा, तो इसमें मुझे पढ़ने में थोड़ा गलती हो गई। तो उसमें पूछा था भारत शासन अधिनियम के थ्रू जो है बिहार कब बना, 1935 अधिनियम जो आया था, तो उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि इसमें चेंज हो जाना चाहिए, वैसे 1936 हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी देखिए आप साक्ष्य हो आपके पास तो आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डिबेट है उसमें आरबीआई गवर्नर को लेकर, जिसमें जो है बहुत लोग कह रहे थे नहीं उर्जित पटेल होगा, जबकि आयोग ई ऑप्शन के साथ गया है। तो मुझे तो अब इसके बारे में तो नहीं, पर एकदम श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अब आयोग जो है चेंज इसे नहीं करेगा, क्योंकि जो है अब जो है इसमें शशिकांत दास जो है एक हफ्ते पहले पेपर के हो गए थे, तो ये अब चेंज नहीं होगा। तो आप लोग जो है खुद डिसाइड कीजिए, आपको जो है जिस पे आपत्ति भेजना हो। तो मुझे लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चन है जो चेंज हो जाएंगे। तो आप जो है आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लगा होगा तो आप जो है हमारे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। कहाँ गया उसको? बंद नहीं क्यों हो गया वीडियो? बंद किया था ना, पूरा बंद किया कहाँ? था बंद क्यों?